मुझे जाना है बर्थडे पे मीरप की। किचन आर्टिफिशियल होता है ना, जस्ट डोंट लाइक है ना। क्लैप तो कर दो यार जेलस लोगों। दूसरी घुसी है हा? एक और बड़ी तलवार लेके, और वो दोनों तलवारें मेरे में घुस गई यार। स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस, प्लीज मॉर्निंग शो पे बात ना करें यार। अज्ञान क्या पूछ रहे थे? मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, गंदा लग रहा हूँ? अब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। देर हो रही है, मुझे जाना है बर्थडे पे मीरप की। मीरप इज अडोरेबल 8-year-old प्रिंसेस सादिया इमाम की बेटी, और सादिया तो मेरी ग्राइंग है, मेरे शहर रावलपिंडी से है। हम बहुत एक दूसरे को जानते हैं सालों से, सेम कॉलेज भी था, तो नेबरहुड भी बिल्कुल पास में, जहाँ मैं रहती हूँ उसका पास में उसका भी घर है। तो माशाल्लाह आई हैव हिस्ट्री विद सादिया इमाम, बट ठीक है, मैं दुबई चली गई, हमारा इतना गैप आ गया, अभी दोबारा से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज उसकी बेटी प्यारी गुड़िया, क्या रिजेम्बलेंस है यार, ऐश्वर्या राय का मतलब ये मिनी नहीं है। उसकी 8th बर्थडे, मैं वहाँ जा रही हूँ विद ज्ञान, और थीम है, दिस इज द कार्ड, फर्स्ट लेट मी शो यू द इन्विटेशन। इतना प्यारा है ना, तो लाइटिंग वाइटिंग और झिलमिल विलमिल के साथ जाना चाहिए। ज्ञान इज गोना ड्रेस अप एज I don't know, कैरेक्टर स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मजेदार है, क्योंकि मैं क्या पहन रही हूँ, ज्ञान क्या पहन रहा है, थीम पार्टी है, मुझे दुल्हन बन के नहीं जाना, मुझे कुछ क्यूट प्यारा स्मार्ट बन के जाना है। तो मैं क्या पहनूंगी वो देखिएगा, बर्थडे पार्टी है तो जरा अच्छा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यू कैन गो क्या कहते हैं थोड़ा सा क्रेजी। और ज्ञान के स्पेशल लाइटों वाले शूज होंगे, स्पेशल उसका कॉस्ट्यूम होगा आज की वीडियो में। डू नॉट स्किप एंड सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। देखिए मेरी तैयारी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में। अगर आप में से कोई ऐसा बदनसीब है जिसको नहीं पता सादिया इमाम कौन है, सादिया इमाम पाकिस्तान इंडस्ट्री की बहुत ही कमाल एक्टर है, और इसने 90s में 2000 के बाद लीडिंग ड्रामास में लीडिंग रोल किए हैं, बेस्ट ड्रामास में, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स, एंड सच अ नाइस पर्सन, डियर फ्रेंड, और इसका डांस तो कमाल है। अगर ये अभी इस वक्त काम कर रही होती तो सादिया वुड बी इन ऑल द टॉप फिल्म्स, आई टेल यू। उसका डांस, इसका एक्टिंग, इसका फिगर इज अमेजिंग। तो उसकी फैमिली होगी सादिया के सारे रिलेटिव्स, भाई, भाभियाँ, उनके बच्चे, उनके मियाँ, क्योंकि इसका हस्बैंड जर्मनी में होता है, ये वहाँ रही थी फिर वापस आ गई, अब बेटी के साथ यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल फॉर इट के बच्चों को देसी कंट्रोल्ड माहौल दें, वरना बाहर मुश्किल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो ऑनेस्टली बड़ा चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए, सलाम है आपको जो बच्चों को बाहर पाल रहे हैं, अल्लाह माफी। जो अब हालात है ना, आप किसी बुरी चीज़ को बुरा कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ इट इज़ बाय लॉ राइट एंड अलाउड, व्हाट डू यू डू देन। तो उसके इतना कीजिएगा, निदा भी वहाँ होगी और भी कुछ शायद सेलिब्रिटीज हों, बट सादिया ने मुझे कहा है कि बड़ी क्लोज लोगों को उसने बुलाया है, ज़रा प्राइवेट क्यूट सी कूल सी वार्म सी गैदरिंग है, सो आई एम गेटिंग रेडी नाउ। मैं कैसे तैयार हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कर्ल्स करने हैं बालों के, कर्लिंग रॉड है, ब्लो ड्रायर है, बहुत जल्द अभी आपको मैं डाइसन एयर रैप जो मैंने अभी लेटेस्ट लिया है उसका भी आपको मैं रिव्यू दूंगी, उसको दिखाऊंगी उसका कि कैसे यूज़ करना है, और साथ में कपड़े तो सरप्राइज है। डू नॉट स्किप द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल। अच्छे कर्ल्स के लिए पहले ना बालों को अच्छी तरह वॉश करके, बिल्कुल बालों में मॉइस्चर ना हो, उसको ब्लो ड्राई करेंगे आप अच्छी तरह बालों को, फिर जो
एंड ये है ना आपके रूट्स, इसको हल्का सा अपने स्ट्रेटनिंग आयरन से स्ट्रेट करना ताकि बाल बैठे हुए आए, मुंह पतला लगे। कर्ल्स स्टे कर जाए इसलिए थोड़ा सा स्प्रे लगाया और अब मैं क्लिप से इसको बंद कर रही हूँ ताकि फिर मेकअप कर लूँ। बीच में आ गए हैं कीनू, और कीनू का कोई मसला है क्या जी? कीनू ये उफ, इसको तो पसीना आ रहा है बेटा, अभी ना पहनू ये। बाल सेट, अब मेकअप। ये क्या हो रहा है? वलीद भाई तैयार कर रहे हैं कीनू को। आइज क्लोज। कीनू ने कॉस्ट्यूम पहना और इतनी गर्मी थी कि बच्चे का हाल बुरा हो गया। नाइस वलीद, तुम कितना अच्छा सेट करते हो। क्या दिखाओ, बाल दिखाओ मुझे जरा। आय हाय वहीद मुराद स्टाइल, चॉकलेट हीरो लग रहे हो तुम कीनू, चॉकलेट हीरो। आजकल मैं स्वीट टच की यूज़ कर रही हूँ ग्लू, मुझे क्रिस्टीन की बहुत पसंद थी, वो उसे वाकई स्टिक करता है लेकिन थिक है। स्वीट टच इज़ नॉट बैड, एक्चुअली ईजिली मिल भी जाती है। जो दो नंबर हुदा की यहाँ बिक रही है लैशेस की ग्लू, वो मत लीजिएगा, इट्स पथेटिक एंड इट्स दो नंबर बिकॉज ओरिजिनल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। स्वीट टच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप कोई ग्लू लैश की इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत अच्छी है, स्टे करती है, ब्लैक को नजर ना आए और लैश से कोनों से निकले नहीं, तो मुझे बताएगा इन द कॉमेंट्स। सब्सक्राइब टू अब स्टाइल। मैं लैशेज लगाने में बड़ी वीक हूँ, तो अब मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ इस पे और एंड आई एम गेटिंग बेटर। मम्मा की ओके, अब बताओ। यस स्मार्ट लग रहा है। और अभी मुझसे कुछ पूछ रहा था, ज्ञान क्या पूछ रहे थे? मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, गंदा लग रहा हूँ? अब बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाँ कॉस्ट्यूम कब पहनेंगे? कॉस्ट्यूम हम जाते हुए पहनेंगे गुड्डे, ठीक है ना? कॉस्ट्यूम हम जाते हुए अभी को नहीं जा रहे, अभी जा रहे, मम्मा रेडी हो जाए। फिर मम्मा ने कपड़े पहने, आपने बताना है कौन सा ड्रेस मम्मा पे अच्छा लग रहा है। ओके रेडी हो जाओ। मैं मेकअप कैसे करूँगी तुम्हें गोदी में उठा के? खुद मैंने ड्राइव किया, बड़ा मज़ा आया। और अब हम आ गए हैं पार्टी में सादिया माम के घर, एंड सो एक्साइटेड। आर यू रेडी फॉर मीरअप्स 8th बर्थडे? सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। नाइस सेटअप किया। कॉस्ट्यूम कहाँ किया उनका? नो कॉस्ट्यूम।
such a nice setup. Playing musical chairs. Come on, Iron Man. So strong. Face paint? Yes! Iron Man ka face paint ho raha hai. Dekhte hain kya kaise lagta hai thodi der mein. No, can after that you can do some coloring. Coloring bhi hai. Jin chahiye. Finally, you want to color this? No. Please. No. Next music. No, you have to. Okay, which one? हमारे बच्चों से ज्यादा मजा हमें आता है शादियों में, कितना गंदा सा कंपटीशन आर्टिफिशियल होता है ना, जस्ट डोंट लाइक है ना, और लोग इतने अकड़ अकड़ के भी मिल रहे होते हैं ना, कुछ जैसे जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, बर्थडे पे क्यूट है ना, और ड्रेसिंग भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत कलर और लाइवली होता है, बहुत और कंफर्टेबल कपड़े होते हैं। हाँ,
बर्थडे इज इजियर टू मैनेज। और बच्चों सबसे अच्छी बात है बच्चे हम घर नहीं छोड़ के आ रहे हैं, आराम से बच्चे भी साथ होते हैं। किनू की बॉडी देखे भाई, बॉडी ये मसल है किनू के। और किनू लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है। यार ये तो मैं अभी कुछ खरीद के लाई हूँ, मुझे नहीं पता कोई। आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आप खुद करती हैं या किसी से सीखा है? नहीं मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है मैं क्योंकि किसी रिकॉर्डिंग से आ रही हूँ तो एरिक ने किया है, वरना मैं खुद भी करती हूँ। टाइम बहुत ज्यादा है, आज क्यों गाए थे सब? राशिद भाई डिस्कस करें मेरे आप बस ना बस नहीं बंद 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 अब दोनों बनो
विनर हैं जिया अली, क्लैप तो कर दो यार जेलस लोगों। जीत गई, हम जीत गए, हमारा ख्वाब पूरा हो गया, हम जीत गए। बचपन से शौक था। मैं देखूं ना कौन है कहां से घुसवा दिया। क्या मिला क्या कुर्सी डिमांड आजकल गिफ्ट का है। हेलो, अच्छा हुआ गिफ्ट नहीं है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ जब गिफ्ट नहीं है। पिक्चर बन भी गई, पिक्चर बन भी गई भाई। हाउ नाइस इज दैट, ब्यूटीफुल। ये अच्छी लगती है, फ्रेम कराने में भी मजा आता है ना। दैट्स सो नाइस, थैंक यू। फायर 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 फायर। ये बेस्ट गिफ्ट है। कपकेक नहीं तो क्या है, ये कपकेक ही है ना। हमने तो कपकेक ही रखा। हाँ भी क्या देखा, ये कपकेक नहीं है, कपकेक है क्या, ये कपकेक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपने जीतने के बाद कोई खास ऐलान करना है तो कर दें। आई लव यू बोल। सच पता चीटिंग की है ना, चीटिंग की है ना, चीटिंग की है, मैंने की है। Yeah.
आपको पता है मैं डॉक्टर हिना की फ्रेंड हूँ, जरूरी है मैं अच्छी लड़ूं। नहीं बहुत प्यारी लग रही आंखें, थैंक यू, मैंने खुद मेकअप बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्या वजह ब्यूटी हिना बीबी डॉक्टर का नाम भी बता दिया आपने, और क्या हाल है, कैसे कितना प्यारा गा रही है, ये देखो बच्चों से भी गवा रही है, इतना प्यारा गा रहे हम नहीं गा सके, हम कहीं लाइव जा रही है, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, अच्छा अच्छा हेड टू टी था, ठीक है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, थैंक यू, वही नादिया जिससे हम 20 साल पहले मिले थे, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम, सेम टू सेम, बहुत मजे का माशाल्लाह बर्थडे, सो नाइस, और तू बस चल रहे हैं, तू बच्चा आता है कहता चले ना मम्मा चले, हां बच्चे जा नहीं रहे, शराब ये दिल हो गया, मेरे साथ है, और मैं सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी शो पे मुझे या शायस्ता को बुलाएं तो हमसे एक दूसरे के बारे में बात फजूल ना करें, नहीं और फिर प्लीज आप लोग नहीं, इसलिए कि आपको वायरल कंटेंट चाहिए होता है ना, नादिया ने शायस्ता के लिए ये कहा, शायस्ता ने नादिया के लिए ये कहा, यार आई एम सिक ऑफ दिस, आई आ एक्चुअली मैंने ये कहा, मुझे नहीं पता बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने कह हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी शो में किसी भी जगह पे हमसे एक दूसरे के बारे में बात की जाती है, ऐसे जैसे हम पता नहीं कौन सी राइवलरी है, पूरा शो डिजाइन ही होता है कि मैं होती हूं तो उसमें शायस्ता की बातें, मैं गवाह क्यों, मैं गवाह हूं, एक घुसी थी बड़ी वाली तरवाल लेके, दूसरी घुसी है हा? एक और बड़ी तलवार लेके, और वो दोनों तलवारें मेरे में घुस गई यार, हाथों की मोहब्बत भरी तलवारें थी ये, ऐसा क्या करें लोगों को एक वंस एंड फॉर ऑल समझ आ जाए कि हम एक हैं, हम फ्रेंड्स हैं, मेरे मियाँ की तस्वीर नहीं लगती ना पौधे, तो मेरे साथ हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें, मतलब हम आपको डांस करके दिखाएं, गाना गा के दिखाएं कि पता चल जाए हम फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मीरा के बर्थडे पे एक है, सारी खानाएं जब मैं तो ज्यादा और क्या दिखाएं, मिलते रहते हैं यार इतनी फंक्शंस, बट ऑनेस्टली मैं सबसे कहूंगी, क्योंकि क्या होता है जब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो पता चलता है ओ लो जी ये भी क्वेश्चन, शायस्ता के ऊपर स्किट बना रहा है, शायस्ता के बारे में बात हो रही है, प्लीज बस कर, इनफ इज इनफ, और तुम भी ये बोल दो बस, हां भाई इनफ इज इनफ, प्लीज बस कर दें, माफ कर दें, बहुत हो गया दुनिया, अच्छा मुझे लगता है जैसे कोई जिंदगी में काम ही नहीं और किया ना, सब आए मॉर्निंग शो या ये, उसके अलावा उसके बाद उसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं आपके को, आपने वही सवाल करने हैं, तो वी हैव मूव्ड ऑन, वी आर डूइंग सो मेनी डाइवर्स चीजें मजे की, तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस, अब ड्रामास पे बात करें, राजा के ड्रामास पे, अब बोल दो कह दो प्लीज मॉर्निंग शो पे बात ना करें, कुर्बत के किस्से जरूर देखें, हां कब रहा है, बहुत जल्दी कुर्बत के किस्से आप जरूर देखें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नादिया को एक्टिंग करते हुए देख, और खाली एक रोल नहीं इतने सारे रोल, सो देखना मत भूलिएगा गुरबत के किस्से। अरे तू है कौन, मैं बेबो, मैं बबली, चल से जादे वादा पूरा कर अभी के अभी जल्दी, धमकियां ना दे मुझे, तो बद्दुआ दूं क्या,
हाय अल्लाह, कीड़े पड़े हाय अल्लाह, फोड़े पड़े हाय अल्लाह, मोशन लगे। ओहो बबली थोड़ी जेंटल हो जा, देख है बड़ा प्यारा फवाद लग रहा है। जी आज नहीं आ सकती। माचिस के तो पैसे मांगने आया था तुझसे जाने मन। कुत्ता भाग गया मुझे। अरे तू कौन है? तूने फाइटिंग करा ना घूसा दूं? 1,000 रुपया दे देंगी क्या एडवांस में? अबे धमकी किसको दे रही है तू? ए गुड्डू, गुड्डू उतर वहाँ से। अरे आज तो इधर भी आ गया, तुम मेरे पीछे पड़ गए। तेरी तो